नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा से जुड़ी कुछ भ्रांतियाँ और मिथ को समझते हैं जिनकी वजह से भारतीय संस्कृति को हम भारतीय ही नहीं अपना रहे हैं। दोस्तों, एक लंबे बालों वाला व्यक्ति जिसने अपने शरीर पर आधे कपड़े पहन रखे हों और जो 2x2 के गहरे गड्ढे में अंदर चला जाता है और ऊपर से मिट्टी से ढक लिया करता है, उसमें से वह गड्ढे में से 2 से 4 दिन के बाद निकलता है। वह बिल्कुल निकलने के बाद तरोताजा महसूस करता है। लोग उस व्यक्ति को एक महान योगी मानते हैं, पर क्या यह वास्तव में योग है? जमीन के अंदर की समाधियां, जादू टोना, इस तरह की चीजों को हमारे देश में बहुत लोग योग समझते हैं, पर यह मिथ है और भ्रांतियां हैं। हम जैसे बहुत से लोग जो योग से अनजान हैं, जो भारतीय संस्कृति और परंपरा से अनभिज्ञ हैं, वह लोग योग को धर्म संप्रदाय, अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र से जोड़ने की गलती करते हैं। योग संस्कृत भाषा के शब्द यूज से बना है, जिसका मूल अर्थ है जोड़ना। अगर हम अपने हाथ की किसी उंगली को पैर के एक उंगली से टच कर रहे हैं तो हम शरीर को एक हिस्से से दूसरे हिस्से से जोड़ रहे हैं। योग वास्तव में विज्ञान है, या कहें कि जीवन को जीने का एक सरल और आसान तरीका है, क्योंकि जीवन में हेल्थ, माइंड, बॉडी और प्रोस्पेरिटी सभी लोगों को अपने जीवन में चाहिए होती है, जो योग देता है। आज के समय में मन की शांति के लिए हम सब इधर उधर हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के विचार को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोटिवेशन स्पीच, मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल वन लाइनर में ढूंढते हैं, पर क्या हमने कभी अपने अंदर देखने या ढूंढने की कोशिश की है? योग हमें अपने को समझने के लायक बनाता है। प्रकृति की एक अच्छी और असली परिभाषा यह है कि वह बुरा समय आने से पहले घंटी बजाती है। जैसे कि हमारा शरीर जब जरूरत से ज्यादा जब हमको उसको खराब करते हैं तो वह अलार्म देता है, बीमारी और परेशानियों के रूप में, जिसको अगर हमने समय पर अटेंड नहीं किया तो उससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। योग शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक सभी बीमारियों से बचाता है। योग की एक विशेष और खास बात है जो हमें किसी भी शारीरिक क्रिया में नहीं मिलती, वह है अगर हम पहले से बीमार हैं तब भी हम योग कर सकते हैं। तो दोस्तों, धर्म संप्रदाय, पंथ या जात पात से इसको ना जोड़ कर देखें। जोड़ना है तो अपने आप से जोड़ें, अपने फायदे से जोड़ें, अपने जीवन के असली लाभ पाने के लिए योग को जीवन में जोड़ें। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको योग का असली अर्थ समझ आ गया होगा और योग से जुड़ी सभी मिथ और भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।